देखिए 2022 का चुनाव दरवाजे पे है। बूथ से लेकर प्रदेश तक अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने के लिए हम आज संदेश दे रहे हैं। आपका महाधिवेशन हर जनपदों में किया जा रहा है, क्या है 2022 के चुनाव किस पार्टी से गठबंधन का आसरा? हमारा भाजपा को जो हराएगा सभी पार्टियों से गठबंधन है। महाधिवेशन हमारा पूरे प्रदेश में चल रहा है और निरंतर चलता है। क्या समाजवादी पार्टी गठबंधन कर लेती है तो कैसा रहेगा? समाजवादी पार्टी जब कर लेती है तब विचार करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे। लगातार किसान महा आंदोलन चल रहा है, अभी मुजफ्फरनगर में भी हुआ, उस पर आपकी क्या राय है? जब से इस दल की स्थापना हुई है, डॉक्टर सूर्यनारायण पटेल जी हमेशा किसानों की लड़ाई को लड़ते रहे और किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए हैं। उसके बाद जब से हम लोगों ने बागडोर संभाली, निरंतर हम लोग किसानों के आंदोलनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं और बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग को किसान कमेरा समाज का ये धन है, इसलिए हम लोग लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते हैं। लगातार भाजपा सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है, ख़त्म कर रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? खतरे में डालने के लिए तो हम लोग चाहते हैं अपने समाज को कि हमारा समाज जागे और इस सरकार को फाड़ फेंकने का काम करे। आखिरी सवाल आपसे ये है, आप अपनी पार्टी के तरफ से इस प्रदेश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने कहा ना, प्रदेश को हम जगाना चाहते हैं और लेके प्रदेश तक 22 का जो चुनाव है, चुनाव बाज को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा है। क्या इस प्रदेश में बहुमत भारत आप स्थापित करना चाहते हैं? महिलाओं पर आधे अत्याचार होता रहा है, आपकी पार्टी महिलाओं के लिए क्या 2022 के सरकार बनने के बाद क्या कदम उठाएगी? देखिए, अभी हम सरकार से बहुत दूर हैं और महिलाओं की अत्याचार की लड़ाइयाँ हम लोगों ने सड़कों पर उतर पे की हैं। लखनऊ में कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं, इलाहाबाद में ज्ञापन दिए हैं और आगे भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं की लड़ाई में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे।